जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे। हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, यात्रा में उपस्थित भाजपा के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, ये परिवर्तन यात्रा निकली है बंगाल में परिवर्तन करने के लिए। हमको केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं करना, केवल मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, हमको परिवर्तन करना है बंगाल के आम आदमी के जीवन में, बंगाल के गरीबों के जीवन में, बंगाल के किसानों के जीवन में, बंगाल के मछुआरों के जीवन में, बंगाल के विद्यार्थियों के जीवन में, बंगाल की महिलाओं के जीवन में, बंगाल के पिछड़ों के जीवन में। ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करके रहेगी। ये बंगाल जो एक समय स्वर्णिम बंगाल था, हम कहते थे सोनार बांग्ला, उस सोनार बांग्ला का सारा सोना टीएमसी लूट कर चला गया और केवल बंगाल ये बंगला बच गया। लेकिन फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हमको सोनार बांग्ला बनाना है। क्या हालत हो गई बंगाल की? बंगाल में लोकतंत्र की सरेआम हत्या होती है, बंगाल में लोकतंत्र का खून होता है। और बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कभी हमने सोचा नहीं था कि किसी मुख्यमंत्री को जय श्री राम कहने पर इतना एतराज होगा, इतना गुस्सा होगा। बताइए, जय श्री राम भारत में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? भारत में ही बोलेंगे। और इसलिए ममता दीदी, आपको कितना भी गुस्सा आए, हमारे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। हम तो जय श्री राम कहकर ही रहेंगे। जय श्री राम कहने से हमको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत प्रभु श्री राम का नाम लेने से हमको नहीं रोक सकती। आज बंगाल में राम के नाम पर रोक है, काली माता की पूजा पर रोक है। आज बंगाल के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने देश की बात कहता है तो उसके ऊपर भी रोक है। और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी 3 लाख करोड़ रुपए इस बंगाल को भेजे, पता नहीं ये 3 लाख करोड़ रुपया कौन खा गया। बंगाल के गरीबों तक नहीं पहुंचा, बंगाल के आम आदमियों तक नहीं पहुंचा। 3 लाख करोड़ रुपया टीएमसी के गुंडों के जेबों में भर दिया और उनको गुंडागर्दी के लिए रास्तों पर छोड़ दिया। लेकिन मैं भी बताना चाहता हूं, टीएमसी के गुंडों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। हमारे 150 कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। अरे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है जो कश्मीर में जाकर भी दहाड़ते थे ये कश्मीर मेरा है, और कश्मीर में जान देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कश्मीर को आजाद करने की मुहिम छेड़ी थी, मोदी जी ने 370 को हटाकर उस मुहिम को पूरा कर दिया। ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी देने का काम मत कीजिए, आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में केवल जनता की बात चलेगी, न गाली चलेगी, न धमकी चलेगी। ममता दीदी, अब परिवर्तन तो होकर रहेगा, अब परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। बोलिए, अब परिवर्तन होबे होबे तो होबे तो परिवर्तन होबे तो बोलिए जय श्री राम। तैयार है? जोरों से तैयार है? जोर से तैयार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई है। और यह परिवर्तन की यात्रा उस दिन खत्म होगी जिस दिन बंगाल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय।